हेलो दोस्तों, दिस इज मेरा फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो वीडियो ये बहुत लोगों की डिमांड के ऊपर आई है। बेसिकली सिमटेक का जो मैंने सिस्टम बनाया लगाया था, वीडियो बनाई जिसके ऊपर, जैसे ये सिमटेक का चल रहा है हज़ार सिस्टम, तो इसमें पैटर्न चेंज होते हैं, ये सब ये हो गया, तो 21 पैटर्न होते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई थी। बट इसकी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई, जो कि मैं अपने जो इसके मैन्युफैक्चरर उनके तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा, कि भाई इसके स्विच बहुत ख़राब हो रहे हैं। देख सकते हैं, जैसे अभी ऑन है, हमने करा ऑफ, अब यहाँ मैं ऑन करूँगा, ऑन ही नहीं हो रहा, ऑफ ऑन काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब क्या इसको हल्का सा हिलाओ डुलाओ, हिलाओ डुलाओ, ये जल, देखो जल गया। ऑफ करा, ऑन करा, अब ये चक्कर रह रहा है इसके अंदर। तो इसके स्विच बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हालांकि इसके स्विच की गारंटी जो है एक साल की है, मतलब पूरी डिवाइस की, सब चीज़ की एक साल की गारंटी है ऑलरेडी। बट गारंटी का मतलब ये नहीं कि कस्टमर हर 6 महीने में या 4 महीने में बारिश में भीग जाए जब भी चेंज करा दे। ठीक है, सर्विस अच्छी है, आपका चेंज भी हो रहा है, बट क्या ये टेंशन थोड़ी ना पालनी है कि भाई अगर गारंटी मिल गई एक साल तक तो बदलवाते रहो। नए अगर आउट ऑफ गारंटी भी है तो भी 150-200 रुपये का मिल जाता है, बट गलत तो गलत है, नहीं होना चाहिए ख़राब। तो इसके सिचुएशन में मैंने क्या करा, एक जुगाड़ निकाला है। जुगाड़ क्या, इसके बिना भी काम कर सकता है। कैसे कैसे काम करना है, वो भी हमें थोड़े से स्विच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मेरी इंटरसेप्टर ये वाली BS4 है, और इसमें BS3 वाला हेडलाइट स्विच लगा रखा है, आप देख सकते हैं इधर आइए। तो जैसे ये वाला एक पॉइंट खाली है, दूसरे पे हेडलाइट जल रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, हेडलाइट को एक पॉइंट पे कर देंगे, क्योंकि BS4 वाली लाइट तो ऑन रहती है, बस स्टार्टिंग की वजह से लगा रखा है। हम एक पे हेडलाइट करेंगे, दूसरे पे हजार्ड करेंगे, और पैटर्न चेंज करने के लिए मैं पासिंग का यूज़ करूँगा, पासिंग स्विच का, पासिंग से, या तो इसका करेंगे हॉर्न स्विच से। पासिंग से करने का मतलब है भाई, अगर हमने ये लाइट भी चला रखी है, पास तो हम इससे भी दे सकते हैं, क्योंकि लाइट तो मैं ऑन ही करके चलाता हूँ, तो इससे भी दे सकते हैं। हाई बीम पे वैसे भी चलाते, लो बीम पे पास आराम से इससे लग सकता है, या एक और जुगाड़ हम इसको हॉर्न से कर सकते हैं। इस बहाने हमारा हॉर्न भी कम बजेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हम हॉर्न से करेंगे ऐसे करके, तो हॉर्न भी कम यूज़ करेंगे। ये भी अच्छा आइडिया, अच्छा है, देखते हैं क्या करना है। तो उसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेडलाइट खोल के मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है। अच्छा भाई, खुल जा। अब इसके अंदर वायरिंग मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे करनी है। हमें इसका हमारा राइट साइड का स्विच की वायर निकालेंगे। आप तो यहाँ आ जाओ, ये भी निकल जाओ। हाँ, छुपे हुए हो भाई, ये निकल गया। हमें थोड़ी सी वायर इसकी पलटनी है, बेसिकली यहाँ से जो इसमें वायरिंग है हेडलाइट स्विच की, वो पलटनी है। ये येलो और येलो जो है हमारी मेन हेडलाइट की है, और रेड में वाइट लाइन और ग्रे, ये हमारी पार्किंग की है। तो हम क्या करेंगे, जैसा आप जानते हैं मैंने स्टैग्नेंट लिए भाई, भाई तो उसने क्या कर रखा है, किसी माप उसने एचओ सॉकेट ना लगा के इस तरीके से काम कर रखा है। खैर ये भी ठीक है, वायरिंग तो कट हो नहीं रही है, बट झुंझलाबाज ज़्यादा हो जाता है मतलब वायरिंग। तो हम इसके पिन दबा के इसको निकाल के, जैसा भी देख सकते हो आप, ये इन दो में लगी हुई है। अब ये निकाल के हमें यहाँ दो लगानी है, ताकि वन पॉइंट पे हमारी हेडलाइट काम करे, और दो पॉइंट हमारे खाली हो जाएंगे दूसरा नंबर। इससे दो तीन फायदे हैं, क्या क्या मैं बता दूंगा आपको। देखिए, पिन हमने ये वाली दबाई थी, इसको वापसी उठा देंगे, समथिंग लाइक दैट इन इंग्लिश। ठीक, अब इसको हमें लगाना है, आप यहाँ देख लोगे रेड और ग्रे। तो फर्स्ट एंड सेकंड, एक आ जाओ, कहाँ जा रहे हो बेटा, दो। अब क्या होगा, वन पॉइंट हो गई हेडलाइट, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक पॉइंट पे हेडलाइट, जैसे हमारे एक पॉइंट करते हेडलाइट जल रही है, और दो पे भी जलती रहेगी है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है हमारा, ठीक है ना। अब क्या, दूसरा हमारा जो खाली है, हम इसका कर देंगे AHO। एंड में बताऊंगा, आप एंड जरूर देखना कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, इसको हम करते हैं AHO वायरिंग लगा के। दूसरा जो हमारा खाली है, उससे हम कर देंगे सिमटेक हमारा, और पैटर्न चेंज आपको बता ही दिया कैसे करना है। सिमटेक का बेसिकली नॉर्मल स्विच आपको लगता है कि जो मिंडा वगैरह के मिलते हैं वो वाला है, बट ये वाला नहीं है, इसमें एक इन्होंने एक्स्ट्रा मॉडिफाइड कर रखा है। तो यही चीज़ ख़राब होती है यहाँ से पानी घुस के। तो उसका कैसे कनेक्शन करने, रेड, इसमें तीन वायर है हमारी, रेड ब्लैक और ग्रीन, ठीक है ना। ब्लैक और ग्रीन हमारे काम की, और रेड भी काम की है, कुल मिला के तीनों काम की हैं। इसको बिना देरी कर हम यहाँ से काट देंगे, स्विच निकाल के इसको फेंक देंगे। अब ये कैसे काम करना है, देखिए, बेसिकली ये हमारे ये दो हैं सिमटेक ऑन ऑफ, और ये हमारा अर्थिंग। जैसे इसको ऑन ऑफ होगा, और पैटर्न चेंज करना, इसको यहाँ टच करते पैटर्न चेंज होगा, कहाँ गया, अर्थिंग नहीं आ रही इसमें, ये देखिए
यहाँ हेडलाइट में अर्थिंग नहीं आ रही, कहीं पे भी अर्थिंग देंगे इसको चेंज। तो अर्थिंग हमारे दो चीज़ में हम दे सकते हैं, तो पहले वो बाद में दे सकते हैं, पहले हम इसको हेडलाइट की स्विच में लगाएंगे। ये पुरानी ऐसी वायर लेनी है हमें, और वो आपको कहीं भी किसी पुरानी वायरिंग में से मिल जाएगी। जॉइंट लगा देंगे हम टाइट करके थोड़ा। आ जाओ बेटा तुम यहाँ, लॉट स्लीप दो ना। माचिस दो, अब क्या करेंगे उसको लॉक खोल के, जो हमारा हेडलाइट वाली येलो वाली वायर थी उसमें हम लगा देंगे। इसका लॉक देख लेना आप, लॉक किस साइड है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाए थोड़ा। लॉक हमारे इस ऊपर की तरफ ही है, ये एक और एक ये दो, ठीक ये आ गया। आप समझ गए दोस्तों, ये हमारे दोनों पॉइंट में काम करते हैं, रेड और ग्रे, जो कि पायलट लैंप और बैकलाइट जलाते हैं BS3 में, और ये दो हमारी हेडलाइट की मेन है। तो अब क्या करेंगे इसको, देखो अब ये लगा दिया हमने, अब क्या होगा, वन पॉइंट पे हेडलाइट, देखिए वन पॉइंट पे ये हेडलाइट जल गई और सेकंड पे AHO। अब पैटर्न चेंज करना है तो हम इसको अर्थिंग पे लगाएंगे, देखो सही है। तो अर्थिंग पे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या हम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ कन्फ्यूज हूँ कि पासिंग से करूँ हॉर्न से करूँ। हॉर्न से करता हूँ तो कभी कभार लंबा प्रेस करना पड़ता है हॉर्न, तो उस टाइम ये वो हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वैसे भी लो बीम पे चलते हैं, पासिंग हम ऐसे इस तरीके से दे ही देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे पैटर्न चेंज करते हैं हम पासिंग स्विच से, और अगर पास की जरूरत हाई बीम लो बीम करके दे सकते हैं, तो पैटर्न चेंज इससे कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी येलो कलर की वायर जो है प्लस वाली आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ, मगर ऊपर से हमें स्विच खोल के एक वायर डायरेक्ट लगानी पड़ेगी। आओ बेटा तुम आओ, क्योंकि पासिंग जो होता है उसमें एक येलो कलर की वायर डायरेक्ट आती है, और ब्लू कलर की वायर हमारा हाई बीम से कनेक्ट होती है, जो कि हाई और उसमें दोनों में काम करता है। इतनी दिक्कत करनी पड़ रही है तो हमारे ये जो सिमटेक के जो ऑनर है उनसे बोलूँगा, अपील करूँगा कि भाई इस स्विच को लेके ज़रूर कुछ करो, बहुत लोग परेशान हैं, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी कर भी देंगे इस चीज़ को सोल्यूशन। वो तो हमें इसका स्विच निकाल ही लेते हैं, निकाल के अच्छा से काम हो जाएगा, आपको समझा भी मैं दूंगा सही तरीके से। ये वाली हम लगा देंगे दोबारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आ रही है ब्लू वायर, दो, ठीक। अब ये जो दो ब्लू वायर है, एक है पासिंग की एक हाई बीम की, दोनों आगे जाके यहाँ कहीं पे इस जगह पे जॉइंट होके यहाँ पे एक ही आ रही है, और हमारी जो ये वाली वायर है पूरी येलो, ये हमारा पासिंग स्विच का है, येलो में रेड नहीं पूरी येलो। इसको निकालेंगे, आओ बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ये निकाल ली, एक ही आ गई हमारे पास, और ऊपर से अब इसको ढूंढना है हमें, कैसे ढूंढेंगे पासिंग स्विच की, तो उसको निकाल के ढूंढ लेते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूँ अभी आपको। हम येलो वाली ये ब्लू वाली भावनाओं में भैरों में भी निकाल के अब इसमें कोई वायर जॉइंट करेंगे और यहाँ से खींचेंगे हम इसको, इसको हम ऐसे तार लगा लेंगे ताकि हमें वायर खींचने में आसानी रहे। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा रेड वाली में लग जाएगा, और बेसिकली उसको चाहिए हमें अर्थ, और इस पूरे स्विच में है ब्लैक वाली वायर अर्थिंग की, प्लेन ब्लैक, इंडिकेटर इंडिकेटर मतलब ब्लैक में वाइट लाइन इंडिकेटर, ब्लैक में ग्रीन लाइन इंडिकेटर, और पूरी ब्लैक हमारी माइनस, तो माइनस वाले निकालते हैं। अब हमें ये ब्लू वाली माइनस में जोड़नी है, कैसे वो भी दिखाते हैं हम आपको। इसमें सेम ऐसे वायर लपेट के थोड़ी बाहर निकालेंगे और यहाँ कट लगा के इसको जॉइंट करेंगे।
तरीके से आके जितनी लंबी हमारा ये है उसमें हम इसको खींच लेते हैं। ओके, उसको अंदर करके इसमें वापसी हम यहाँ पे केबल टाई लगा देंगे। लॉक केबल टाई देना एक। ये हो गया हमारा अर्थिंग। अब क्या है बेसिकली, बस इसके अंदर हमें रेड वाली वायर कनेक्ट करनी है सॉकेट लगा के, और हमारा अर्थिंग भी मिल गई उसे और आसानी से काम हो गया। सो बस यहाँ पे केबल टाई लगा देते हैं ताकि हमारी स्लीव ना खिसके। ये जोर लगाया करो दोस्तों, बिकॉज अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो स्लीव हमारी खिस, यहाँ से स्लीव हो जाएगी, खिसक जाएगी और वायरिंग देखने लगेगी वो अच्छा नहीं लगता। चलिए स्विच को लगाता हूँ, कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये लगाते हैं इसका सॉकेट, तो उल्टा काय को लगा रहा हूँ मैं ये। अब देखिए क्या होगा, इसको हम अगर रेड वाले को जोड़ेंगे सिमटेक ऑन, अब ये पैटर्न चेंज पासिंग से। और अब क्या है, इसमें जॉइंट नहीं लगाएंगे हम इसको निकाल के, तुम पहले बंद हो क्योंकि ये वाला हमारा थिम्बल, इसमें हम डायरेक्ट लगा देंगे। बस से एक इशू आएगा कि भाई जब भी अगर सॉकेट कुछ अलग करेंगे तो हमें ये थिम्बल निकालना पड़ेगा, इसका कुछ बाद में देखता हूँ, स्विच का कनेक्शन करके बाद में देखेंगे। अभी तो लगा दिया है, कोई इसे एक्स्ट्रा स्विच भी लगा सकते हैं ऐसे। अब जैसे जलाया और पैटर्न चेंज ऑफ में बिल्कुल सही। तो अब इसकी लाइट और लगा के आपको फाइनल दिखाता हूँ कैसा रहा। अब मैं आपको चेक कराता हूँ जैसे ये, बेसिकली BS4 क्या BS3 में भी कोई भी बाइक को मैं तो हेडलाइट ऑन करके चलाता हूँ लो बीम पे, क्योंकि एक लॉ है और हमारी सेफ्टी है इसके अंदर। देखिए जैसे वन पॉइंट पर हमारी हेडलाइट जल गई, ठीक, दूसरे पे सिमटेक ऑन हो गया और पासिंग पे हमारा पैटर्न चेंज। और पास अगर करना हम ये चीज़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आसानी से हो जाएगा। और इस सब क्या फ़ायदा है, वो सिमटेक जलाना है आपको तो हेडलाइट तो ऑन करनी ही पड़ेगी। इससे एक तो पहला पॉइंट ये आ गया कि हेडलाइट ऑन और स्टार्ट होते तो वैसे भी हो जानी चाहिए ऑन, जब भी चल रहे टू व्हीलर का हेडलाइट ऑन कंपलसरी है, ठीक। और ये ना परफेक्ट है, सिमटेक आराम से हम इसे कर सकते हैं, हॉर्न से भी कर सकते हैं। हॉर्न के लिए हमें उसमें डायोड यूज़ करना पड़ेगा, डायोड जो होगा जिस हिसाब से हमारा हॉर्न होगा उस हिसाब से डायोड यूज़ करना पड़ेगा। बट उससे ये है कि आप जब भी हॉर्न बजाओगे वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। सपोज करिए मैंने इस वाले पैटर्न पर मुझे रखना है तो उस समय हॉर्न बजाया तो चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने पासिंग से कर दिया। पासिंग हमारा इससे तो हाई बीम लो बीम कर सकते हैं, जो लो पे रहेगा इस बहाने हम लो पे भी चला सकेंगे बाइक को। और यही है दोस्तों। अब और ये आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, ऐसा फालतू में कभी यूज़ मत करना कि भाई आप चल रहे हो तो भाई चला के चल रहे हो तो ऐसे पीछे वालों को और आगे वालों को दिक्कत आती है। हमें हज़ार जब यूज़ करना है, कोई इमरजेंसी में हो, कोई फॉग हो, बारिश हो, या कोई बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कोई दूर से आपकी हेडलाइट काम नहीं कर रही है, ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जो आप दूर से आस पड़ोस वालों को बताना चाहते हो जो राइड चल पिक कर रहे हैं कि उनको सेफ्टी के तौर पे, या किसी को आप हेल्प कर रहे हो या एकदम से लगानी पड़ेगी, कुछ भी उस टाइम पर काम आता है। बहुत से लोगों को देखा है भाई दिन में वो जला के कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइकर वाली वीडियो पे आप देखते होगे कि भाई मेरा ऑन रहता है क्योंकि उस टाइम मैं किसी की हेल्प कर रहा होता हूँ, किसी को टो कर रहा होता हूँ, या किसी को पेट्रोल दे रहा होता हूँ, या कुछ कर रहा होता हूँ इस समय, ताकि पीछे वालों को एक अंदाज़ हो जाए हाँ भाई इनको कुछ ज़रूरत है। इसलिए मतलब एक हाईलाइट हो जाती है बाइक दूर से चलती हुई कि हाँ भाई इसको कुछ, ये अलग है सबसे, ये इस काम में आता है। और
दोस्तों अब मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा जो हमारे इसके ऑनर हैं कि भाई एक स्विच अच्छा सा डिज़ाइन करा जाए ताकि ये सिचुएशन से निकले हर कोई। ये 6 महीने में साल भर में ख़राब हो ही जाता है, हर बारिश में ख़राब हो जाता है स्विच, और रिप्लेसमेंट अच्छी है, इस बात की तारीफ है कंपनी की, आप रिप्लेस करो आपके पास आ जाता है। बट क्या क्लाइंट के पास ही रिप्लेस का काम रह गया है कि भाई वो ख़राब हो, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन करो यार, इतने बढ़िया अगर कंपनी बना सकती है तो स्विच भी बना सकती है, कुछ ना कुछ करेंगे। मैसेज होप आप अब तक का पहुंच गया होगा, जल्दी कुछ ना कुछ करेगी। होप आप भाइयों को वीडियो और इसके कनेक्शन और ये बिना वायरिंग कट के आपको पसंद आए होंगे, पसंद आ गए तो आपको पता है क्या करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना इंतजार के वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।